हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सेल की एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिसको देखकर आप काफी शॉक हो जाएंगे। यहाँ हम जिस भी सेल पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए मेरा रो और कॉलम दोनों हाईलाइट हो रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ और ये ट्रिक कैसे काम करेगी, चलिए सीखते हैं। यहाँ पर मुझे एक सेम डेटा दिया गया है और इसमें मुझे वो सारे के सारे फंक्शंस को यूज करना है। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए से। इसके बाद आप जाएंगे होम टैब पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। यहाँ पर जाना है न्यू रूल्स, न्यू रूल्स में जाना है यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, कहाँ हमें फॉर्मेट करना है। इसके बाद यहाँ पर इक्वल्स टू में आप फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे रो, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करेंगे, इक्वल्स टू सेल और ब्रैकेट ओपन करके इसमें आपको लिखना है रो, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद फॉर्मेट पर जाके कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, एक रैंडम कलर चूज कर लेते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद ओके करना है आपको और ओके करना है। ये हमारी रो को हाईलाइट करेगा। कॉलम को हाईलाइट करने के लिए हमें एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिर से वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, मैनेज रूल्स पर जाएंगे, न्यू रूल्स करेंगे और यहाँ से फिर से यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे वापस हम एक फॉर्मूला लगाएंगे कॉलम, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करेंगे, इक्वल्स टू सेल लिखेंगे यहाँ पर और ब्रैकेट में हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉलम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मेट पर वापस जाकर कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं, वो आपने ओके करा और इसके बाद ओके करा। यहाँ से फिर फाइनली आपको ओके करना है। यहाँ के बाद जाना है आपको डेवलपर टैब। इसके बाद आपको करना है व्यू कोड और व्यू कोड पर जाकर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है वर्कशीट और वर्कशीट में यहाँ पर लिखेंगे आप टारगेट डॉट कैलकुलेट। इसके बाद टैब करके आपको करना है क्लोज और यहाँ से बीबीए की विंडो को आप क्लोज कर देंगे और इसके बाद जिस भी सेल पर क्लिक करेंगे आपके रो और कॉलम दोनों ही हाईलाइट हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और ट्रिकी वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें।